हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में हम डॉम्स के इन कलर पेंसिल का यूज करके विजय थलपति सर की कंप्लीट आउटलाइन में कलरिंग करने वाले हैं। एंड इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट वन में आप लोग किस तरीके से ग्रिड मेथड का यूज करके कंप्लीट इस तरीके की आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने कम्प्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख लेना। तो चलो गाइज, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, सबसे पहले आप लोगों को सिंपली कलर पेंसिल से कलरिंग करने से पहले आप लोगों को सिंपली नीडेड इरेजर का यूज करके पहले अपनी आउटलाइंस को हल्की हल्की सीरेज कर लेना है। इसके बाद अब आपको सिंपली अपने रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आप लोगों को कंप्लीट फेस में डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आप लोगों को ब्राउन कलर का यूज करके कलरिंग करना है। एंड गाइज, रेफरेंस फोटो में जहां पर भी एकदम से ज्यादा डार्क एरियाज हैं जैसे कि आई, आईब्रो, नोज एंड लिप्स में आप लोगों को सिंपली ब्राउन कलर का यूज करके थोड़ा प्रेशर देकर सेट करना है। एंड जहां पर भी एकदम से ज्यादा आप लोगों को हाईलाइट एरियाज दिख रहे हैं उन हाईलाइट एरियाज को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आप लोगों को हाईलाइट एरियाज को छोड़कर बाकी कंप्लीट पार्ट में एकदम स्लोली स्लोली हल्के हाथों से शेड कर लेना है। इसके बाद जैसे कि मैं बियर्ड एंड मोस्टैचे को ड्रॉ करने के लिए सिंपली सबसे पहले बियर्ड एंड मोस्टैचे में जो भी मुझे हाईलाइट एरियाज दिख रहे हैं मैं सिंपली वहां पर खराब पेन का यूज करके सिंपली उसी के डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा रहा हूं। एंड उसके बाद अब मैं सिंपली वैसे ही ब्राउन कलर का यूज करके बियर्ड एंड मोस्टैचे के डायरेक्शन में सिंपली हल्के हाथों से स्ट्रोक लगा दूंगा। तो गाइज, कंप्लीट ब्राउन कलर का यूज करके कंप्लीट फेस में कलरिंग कर देने के बाद अब आपको सिंपली सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोगों को ऑरेंज कलर का यूज करके आप लोगों ने जैसे कि ब्राउन कलर का यूज करके शेड किया था बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को सिंपली रेफरेंस फोटो में हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली हाईलाइट एरियाज को छोड़कर कंप्लीट पार्ट में ऑरेंज कलर का यूज करके कलरिंग कर लेना है। तो गाइज, मैंने ऑरेंज कलर का यूज करके भी कंप्लीट फेस में कलरिंग कर दी है। इसके बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो में जहां पर भी और ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं अब मैं सिंपली वहां पर रेड कलर का यूज करके शेड कर रहा हूं। एंड गाइज, रेड कलर से भी कंप्लीट फेस में कलरिंग कर देने के बाद अब मैं सिंपली कंप्लीट फेस में सिंपली येलो कलर का यूज करके कलरिंग कर रहा हूँ। येलो कलर से भी कंप्लीट फेस में कलरिंग कर देने के बाद अब आपको सिंपली लास्ट में रेफरेंस फोटो में जहां पर भी आप लोगों को एकदम से ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं जैसे कि गाइज आई, आईब्रो, नोज एंड लिप्स में जहां पर आप लोगों ने सबसे पहले ब्राउन कलर का यूज करके कलरिंग किया था अब आपको सिंपली वहां पर डायरेक्ट ब्लैक कलर का यूज करके कलरिंग कर लेना है।
गाइज मैंने कंप्लीट फेस में कंप्लीटली कलर को अप्लाई कर दिया है। इसके बाद अब मैं सिंपली इन सभी कलर्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए सिंपली व्हाइट कलर का यूज करके बिल्कुल लो प्रेशर देकर एकदम स्लोली स्लोली हल्के हाथों से कंप्लीट ड्राइंग में ब्लेंड कर रहा हूँ। एंड गाइज आप लोगों को सिंपली इसी तरीके से व्हाइट कलर का यूज करके कंप्लीट शेडिंग को आपस में ब्लेंड कर लेना है।